अब तक हमने पढ़ लिया था ज्योग्राफी में बायोटिक रिसोर्स के बारे में, और अब हम आगे बढ़ेंगे बायोटिक नॉन बायोटिक और एबायोटिक से आगे। जो हमने आपको चार बेसिस बताए थे अलग अलग रिसोर्सेस को बंटवारे के लिए, ठीक है। तो इसमें अब अगला जो आपका रिसोर्स है उससे पहले हम एक क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, पिछले वीडियो पर आधारित है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, द फिशरीज आर काउंटेड इन विच टाइप ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, बायोटिक एबायोटिक रिसाइक्लेबल नन ऑफ दिस। आपको इसका जवाब देना है वीडियो के लास्ट में, ठीक है, और हम आपको देंगे द मास्टर ऑफ रिसोर्सेस का खिताब। जी बिल्कुल, पिछले थोड़ा सा अलग हट करके इस बार हमने ये किताब का नाम रखा है, वो मास्टर ऑफ रिसोर्सेस है। आपने इसके पिछले वाले वीडियो को कितना ध्यान से देखा है ये इस पर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर आप सही बताते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा था बायोटिक अबायोटिक डन था, जो बायोटिक थे और एबायोटिक ये डन, ठीक है, जो हमने आपको बायोटिक बता दिया था और इस पर ही आपका बेस्ड है आंसर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जास्टिबिलिटी, एग्जास्टिबिलिटी क्या होती है? खत्म होने की दशा है ना। कोई चीज कब कहते ना कि हम तो टोटल अपने काम से एग्जास्ट हो गए हैं। एग्जास्ट होने का मतलब क्या हुआ है कि हम फेड अप हो गए, खत्म। तो उसका अमाउंट कितना बचा हुआ है, हम उसको कितना यूज कर पाएंगे, और ये इस पर डिपेंड करता है एग्जास्टिबिलिटी पर, वो खत्म कैसे होता है, खत्म होता है या नहीं खत्म होता है इस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जास्टिबिलिटी हमारे पास दो बचेंगे, इसमें पहला आपका है जो आप सब लोग जानते हैं रिन्यूएबल, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। देखिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नाम से ही समझ में आ जा रहा है, रिन्यूएबल जो फिर से नया किया जा सके, री मतलब दोबारा फिर से, और न्यूएबल का मतलब क्या है, न्यू बनाया जा सके, फिर से नया उसको यूज में लाया जा सके, फिर से नया वो आ जाए, वो हमारा रिन्यूएबल होता है। और जबकि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको नहीं बनाया जा सकता दोबारा, ये दोबारा आता ही नहीं लौट करके, समय क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। क्या सर, आज 6 बजा है, कल फिर 6 बजेगा, लेकिन वो जो समय का अमाउंट है वो नॉन रिन्यूएबल है ना, वो समय आपका दोबारा नहीं आएगा। तो रिन्यूएबल है और ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। अब रिन्यूएबल में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम एक बार यूज के बाद वो दोबारा उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से होंगे, सभी लोग जानते हैं सोलर एनर्जी। अब सन को आप कितना भी यूज कर लीजिए, सन का फोटोवोल्टाइक सेल लगा दीजिए, ऊपर होते हैं ना सोलर प्लेट लगाते हैं, सोलर प्लेट से सोलर बैटरी, सोलर लैंप, सोलर स्ट्रीट लैंप, सोलर लाइट, सोलर चार्जर, पता नहीं क्या क्या चलता है सोलर से। तो वो सोलर क्या, वो सोलर एनर्जी पे चलते हैं। तो सोलर एनर्जी एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाती है, नहीं, बहुत ज्यादा है, कई संख्या में। तो सोलर एनर्जी किसमें आएगी, रिन्यूएबल पे। उसी तरह से आपका विंड एनर्जी है, जो आपकी बड़ी बड़ी विंड मिल चक्कियां चलती हैं, बड़ी पॉइंट चक्की जिसको कहते हैं, हवा से जो चलती हैं, उससे कुछ उससे एनर्जी ली जाती है, वो भी आपकी क्या है, रिन्यूएबल है। उसी तरह से आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, एक और आपकी बचती है जिसको बता दीजिए, वाटर एनर्जी है ना। पानी ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरता है तो बीच में टर्बाइन लगाते हैं, टर्बाइन जैसा एक मोटर जैसी चीज होती है, पंखे जैसी, उसके ऊपर चीज गिरते तो पंखा घूमता है, मोटर घूमता है, मोटर घूमता है, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ये क्या है, ये सोलर विंड वाटर ये सब क्या है, ये सारे के सारी एनर्जीज क्या है आपकी, रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल का इतिहास बहुत पुराना है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जीज होती है जिन्होंने मिलियन सालों में अपने आप को बनाया, मिलियन मतलब समझिए कई 10 लाख करोड़ साल में वो बने हैं। इसमें आपका सबसे बड़ा क्या आता है, फॉसिल फ्यूल्स। कैसे आते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या है बेटा, पेट्रोलियम है ना, मिनरल्स, जो आपके मिनरल्स नीचे से निकलते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये सब के सब नॉन रिन्यूएबल है। एक बार जो कोयला जला दिया वो दोबारा नहीं आएगा, वो खत्म।
मान लीजिए कि आपने कोयले से झारखंड भिलाई इन जगहों से कोयला निकलता है, एक एक टन मीट्रिक टन डोर में, वो टन कोयला आएगा वो बिक गया, बिक गया, बिक गया का मतलब वो जल गया, कहीं ना कहीं यूज हो गया, तो वो क्या एक मीट्रिक टन फिर से वापस आ जाएगा? नहीं, वो कोयले की खदान नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसती जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम ये मिनरल जो नीचे से खोद करके निकाले जाते हैं ये दोबारा नहीं आते, नॉन रिन्यूएबल में आएंगे ये, मतलब इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका रिन्यूएबल है और ये आपका क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो अगला रिसोर्स का टाइप आता है वो है आपका ग्राउंड। अब देखिए ग्राउंड के लिए हम इसको कैसे कह सकते हैं कि मालिक कौन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्या है ओनरशिप। अब ओनरशिप क्या है बेटा, देखो ओनरशिप के मीनिंग क्या है कि मालिक कौन है, ओनरशिप पे क्या है कि इसका मालिक कौन है। अब एक अकेला पर्सन भी मालिक हो सकता है, कुछ लोग मिलकर के भी हो सकते हैं, देश पूरा मालिक हो सकता है, पूरे विश्व का हो सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज जिस पर मालिक कौन है। तो ये टोटल चार मिनट में डिवाइड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। पहला इंडिविजुअल, पहला क्या बेटा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या है किसी एक के पास। जैसे आप में से कई लोग खेती करते होंगे, आपके घर वाले घर पे खेती होती होगी, तो वो खेत किसके नाम पर है, वो खेत किसके अंडर में है, एक किसान के अंडर में, जो कुछ रेवेन्यूज के बदले में सरकार ने उसको दिया हुआ है, कुछ रेवेन्यूज के बदले सरकार ने उसको दिया हुआ है, वो क्या होगा इंडिविजुअल। कई लोग कहते हैं कि जमीन मेरी है, जमीन आपकी नहीं है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, किसकी है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में क्या है, अगर किसी एक के पास क्या है आपका प्लॉट है, प्लॉट में मकान बना हुआ है, मकान के ऊपर आप ऐसे पैनल्स सोलर पैनल्स लगा दीजिए, क्या होगा एनर्जी मिलेगी, उसका यूज उस ग्राउंड का यूज क्या है आपके रहने के लिए, उस ग्राउंड का यूज क्या है सोलर पैनल लगाने के लिए, उसके अंदर कोई स्कूल चलता होगा, वो एक रिसोर्स मटेरियल इंस्टीट्यूशन है ना। तो इंडिविजुअल के पास चीजें, आपके पास अगर खेत है तो वो आपका हो गया, अगर आपके पास कोई कुआं है तो वो भी इंडिविजुअल है, आप उसमें से पानी पी सकते हैं, अगर आपने कोई समरसेबल डाल रखा है वो आपका इंडिविजुअल है ना। आपके पास जो प्लॉट है, जो फैक्ट्री आपने लगा रखी है एक पर्सन ने, वो क्या है, वो सब कुछ इंडिविजुअल में आएगा, मतलब एक उसका मालिक कौन है, एक प्राइवेट बंदा। अब इसके बाद अगला आता है वो है कम्युनिटी। अब देखिए कम्युनिटी वाले जो होते हैं ना वो अक्सर विलेज की बात करते हैं, म्यूनिसिपल की बात करते हैं, नगर निगमों की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं। अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो पूरे गांव का है, पूरी कम्युनिटी का है, ग्रुप ऑफ पीपल, कौन कौन से होंगे बेटा, जैसे मान लीजिए कहीं से कब्रिस्तान है, कहीं शमशान घाट बना हुआ है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा तालाब है, पोखरा जिसको कहते हैं, कई लोग कहते हैं पॉन्ड है, तालाब है, वो एक गांव का है। अगर कोई स्कूल है, वो सारे मिलाकर के सरकारी स्कूल है, कोई सब गांव का है, तो वो कम्युनिटी का है, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होकर के कम्युनिटी का है। कोई खेल का मैदान है जहां पर सभी लोग खेलते हैं, वो क्या है आपका कम्युनिटी बेसिस है। ठीक है, तो ये कम्युनिटी का वर्ड, पंचायत भवन है वो भी क्या है आपका कम्युनिटी बेसिस है। ठीक, कोई ऐसा पार्क है जहां पर सभी लोग बच्चे खेलते हैं, शहरों की हम बात कर रहे हैं, तो उन शहरों उस पार्क को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, अब कम्युनिटी रिसोर्स के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है बेटा नेशनल रिसोर्सेस। हमने आपको भी इसके इंडिविजुअल में कहा था कि ये जमीन मेरी नहीं, मेरी जमीन किसी की नहीं होती, सरकार ने सिर्फ आपको केयर टेकर की तरफ रखा हुआ है, वो एक्चुअल में क्या है नेशनल रिसोर्स है। जो भी जमीन जिस पर आप रहते हैं, जिस पर आप खेती करते हैं, वो सब कुछ देश का है। मतलब अगर जब आपकी सरकार को जरूरत पड़े, जब आपकी गवर्नमेंट को जरूरत पड़े, जब आपके नेशन को जरूरत पड़ेगी उस जमीन की, तो वो आपको कुछ पैसे देकर के, मुआवजे देकर के वो जमीन आपसे ले लेगा, और आप उसको मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जमीन आपकी थी ही नहीं, जमीन को आपको सिर्फ वहां का केयर टेकर बना के रखा गया था कि उस जमीन की देखभाल, उससे निकलने वाले जो रिसोर्स खाद पानी जो भी है वो आपको मिलेगा, इससे आप अपने जीवन को चला सकेंगे। ठीक है ना, तो सरकार ने आपको बस एक रेंट लेकर के दिया था, आप रेवेन्यू पेड करते होंगे, है ना, हाउस टैक्स पेड किया जाता है, लगान पे करते हैं, तो वो लगान क्या है, सरकार आपसे रेवेन्यू लेती है उस जमीन के बदले में, और वो जमीन आपको देती है ताकि आप उसे अपना खेती बाड़ी करके अपना घर यापन कर सके। अब नहीं तो आप सोचिए जरा, वो आपके बगल से आज आप यहाँ पर हैं, आपके बगल से कोई फ्लाईओवर गुजरेगा, तो आपके बगल वाले शर्मा जी की, जो आपके पड़ोस वाले शर्मा जी, उनका घर बच जाएगा? नहीं, उनका जब आ गया फ्लाईओवर के अंदर, तो सरकार उनको कुछ पैसे देगी, उसके बदले में वो जमीन ले लेगी, है ना। आप लोग निखा होगा कई लोग, हाईवे में रोड आ जाती है, जमीन आ जमीनें आ जाती हैं, तो सब कुछ नेशनल रिसोर्स है।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सी का एरिया। सी का एरिया मतलब जो किनारा है, कोस्ट है। जैसे भारत के दो किनारे है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो कोस्ट से 22 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, 22 किलोमीटर समुद्र के अंदर, सी के अंदर, वो भी नेशनल रिसोर्स होता है। मतलब वहां तक आपकी सरकार या आपके नेशन उसको रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, उसको निकाल करके यूज कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा, कोस्ट से 22 किलोमीटर डिस्टेंस तक, ठीक है, कोस्ट से 22 किलोमीटर डिस्टेंस तक ही आएगा। अब सबसे लास्ट आता है आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या मतलब है, ऐसी चीज जो पूरी दुनिया की है। हाँ, बहुत सारी चीजें, जैसे अंटार्कटिका है, स्पेस अंटार्कटिका है ना, इस पर क्या है, इस पर दुनिया का कोई भी देश अगर कैपेबल है तो जा सकता है, लगा सकता है, अपने अपना सैटेलाइट भेज सकता है, अपने स्पेसशिप को भेज सकता है। उसी तरह से अगर समुद्र का कोई इलाका जो किसी भी देश से 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर कोस्ट से 200 किलोमीटर दूर है, तो वो इंटरनेशनल वाटर है। इंटरनेशनल वाटर का मतलब क्या, उसमें से कोई भी जहाज, किसी भी देश का जहाज आ जा सकता है। आ रही बात समझ में? कोस्ट से अगर 22 किलोमीटर हुआ तो उस नेशन का होगा, और अगर कोस्ट से 200 किलोमीटर का दूर हुआ तो वो इंटरनेशनल होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बाद आता है डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, भैया जो रिसोर्स हमारे पास पड़ रखा है डेवलपमेंट, वो हम यूज भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिसोर्स कैसा है, डेवलप है कि नहीं डेवलप है। सबसे पहला आता है आपका पोटेंशियल, इसको ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या है पोटेंशियल? पोटेंशियल में क्या है, ध्यान सुनिए, आपका पोटेंशियल क्या है, इनफ, इनफाइनाइट, आप जो मर्जी चाहे जो कर सकते हैं, बस दिल में ठानिए। हमने क्या कहा, आपका पोटेंशियल बहुत है, आप उतना कर नहीं रहे, आपका पोटेंशियल बहुत है, आप उतना कर नहीं रहे, तो यही होता है, नॉट फुली यूटिलाइज्ड, नॉट फुली यूटिलाइज्ड, पूरा इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान की बात कर ले, तो राजस्थान में ना धूल भरी आंधियां चलती हैं, बहुत हवाएं बहुत तेज चलती हैं, राजस्थान गुजरात में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, तो उन राजस्थान गुजरात में जो हवाएं चलती हैं वहां पर विंड मिल का बहुत अच्छा काम हो सकता है। विंड मिल समझते हैं ना, विंड एनर्जी, जो एयर से जो पवन चक्की घूमती है जिससे, हवा के प्रेशर से, ठीक है ना, तो विंड मिल का बहुत अच्छा यूज हो सकता है, वहां से काफी मात्रा में विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन हुआ क्या है, उतने बड़े पैमाने पर हम यूज नहीं कर पाए, नॉट फुली यूटिलाइज, अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो यूज नहीं हो रहा है पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद अगला आता है, भैया जो हमको पता है कितना है और हम पूरे जोर शोर से उसको यूज कर भी रहे हैं, डेवलप्ड, ऑलरेडी सर्वेड, सर्वे हो चुका है, डिस्कवर्ड एंड यूटिलाइज्ड, सर्वे भी हो चुका है, डिस्कवर्ड भी हो चुका है, यूटिलाइज भी हो रहा है, क्या होगा, डेवलप्ड। पहले वाला क्या था, पोटेंशियल, नॉट फुली यूटिलाइज्ड, डेवलप्ड क्या है, सर्वेड, डिस्कवर्ड एंड यूटिलाइज्ड, हो चुका है, ये क्या होगा आपका, डेवलप्ड, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो है आपका स्टॉक का, स्टॉक, स्टॉक क्या है, स्टॉक ऐसा रिसोर्स है जो हमें पता तो है लेकिन हमको उसकी यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, हमको मालूम है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं उससे। अब जैसे आपको पता है कि पूरे दुनिया का मतलब दो तिहाई हिस्सा केवल पानी है ना, 50% ज्यादा का हिस्सा केवल पानी है। अब पानी कैसा है, साल्टी है, सलाइन वाटर है, खारा पानी, हम उसको पीने का पानी बना सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी आई नहीं है कि जो सस्ते दामों में, इजराइल बना चुका है लेकिन वो
कम पानी बहुत ज्यादा मेहनत में बनाता है। तो सस्ते दामों में हम इतने वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर को पीने के पानी में बदल सके, ऐसा हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो किस में आएगा? स्टॉक में आएगा, स्टॉक रखा हुआ है। वाटर को जब तोड़ते हैं तो वाटर किस में निकलता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम चाहें तो वाटर को तोड़ करके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, लेकिन और उस हाइड्रोजन को, आपको पता है हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होता है, बहुत भयंकर एनर्जी होती है हाइड्रोजन के अंदर। इस सब हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन आप परमाणु बम का नाम सुने होंगे, एटम बम है ना, लेकिन एक्चुअल में आप हाइड्रोजन बम को सीखिए, हाइड्रोजन बम की पावर एटम बम से कई ज्यादा गुना होती है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हैं बहुत आसानी से, स्वच्छ एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, कोई धुआं नहीं देगी और एनर्जी भी एफिशियंट है, दबा के यूज करिए। तो कहने का क्या मतलब है, H2 हम यूज कर सकते हैं अगर हमको पता होता कि वाटर से कैसे H2 निकालते हैं। इतना पानी भरा पड़ा है, निकाल लेते हैं H2, खूब यूज करते, एनर्जी की प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोल पेट्रोलियम ये सब यूज ही नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें नहीं पता। डोंट नो हाउ टू, कैसे करें ये हमको मालूम ही नहीं है। इस किस में आएगा? स्टॉक में आएगा। अब इसके बाद अगला आता है आपका कौन सा? रिजर्व। देखो बेटा, स्टॉक से ही निकल करके क्या आया है? रिजर्व आया है। इन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन। अब इन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? इन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब है कि प्रोसेस में है, हम उसको पूरा यूज कर लेंगे। जैसे पानी के ऊपर डैम बनाना, अब तक भारत में पता है कितनी नदियां बहती हैं, हम उसको फुल डेवलप्ड उस दिन मानेंगे, फुली यूटिलाइज्ड उस दिन मानेंगे जिस दिन इन रिजर्व्स पर सब पर डैम बन जाए, सब पर से बिजली निकलने लगे धड़ाधड़, तब उसको हम डेवलप्ड मानेंगे। अब तक उसको हम क्या मानते हैं? रिजर्व मानते हैं। रिजर्व क्यों मानते हैं? रखा हुआ है, कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास और अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो हम उसको और अच्छे से यूज कर पाएंगे, है ना। याद रखिए कि डैम का जो गिरने वाला पानी होता है ना, वो पानी बर्बाद नहीं जाता, डैम बनता है उससे पानी ऊपर से गिरता है और वो टरबाइन घूमती है और वो पानी फिर आगे यूज में चला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपके चार टाइप के बन जाते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। तो प्यारे साथियों, आज तक हमारा इतना ही, जिसमें हमने आपको सारा हायरार्की समझा दिया। हायरार्की का मतलब ये होता है कि हमने आपको बता दिया कितने टाइप्स के आपके रिसोर्स होते हैं, कितने टाइप्स के आपके रिसोर्स होते हैं और कितने टाइप्स, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। एट लास्ट हम एक एक करके पूरा जो है डेफिनेशन आपके सामने रखते जाएंगे, आप पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी करंट में हमने आपको पहले बताया, ज्योग्राफी प्रेजेंट में होती है, उसका आपको नोट्स बनाना होगा, आपको प्रॉपर चीजें याद रखनी होंगी। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप ये वीडियो रिपोर्ट करके देखेंगे, आपको कुछ कुछ चीजें तो याद हो जाएंगे ऐसे ही। सबसे पहले हमने बायोटिक को बता दिया था, ठीक है, अब हम आगे बता रहे थे आपको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये उसकी डेफिनेशन रहेगी, रिन्यूएबल की डेफिनेशन और फिर नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन, आप इसको पॉज करके और नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आपका सामने आएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के नाम पर हमारे पास चार पड़ेंगे, जिसमें आपको हमने बताया है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ये उनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इनको आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये रही आपकी इंडिविजुअल की, ये रही आपकी नेशनल, इंटरनेशनल, कम्युनिटी, ठीक है, ये आपकी चारों की डेफिनेशंस, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर कौन कितना यूटिलाइज हुआ है, किसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं है, इसके लिए हम यूज करेंगे। सबसे पहले आपका क्या आएगा? पोटेंशियल, फिर आपका आएगा डेवलप्ड, फिर आपका आएगा स्टॉक और देन सबसेट ऑफ स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेशंस हो गए, इन डेफिनेशंस को आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पर, ठीक है, और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आए कोई चीज तो प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे या फिर हम उसको अगले वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। उस पहले क्वेश्चन का जवाब देना मत भूलिएगा, द बाबा ऑफ रिसोर्सेज का खिताब आपके पास है, मास्टर ऑफ रिसोर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो तक के लिए।